हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ा मसाले वाला। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने लिया 300 ग्राम राइस, 150 ग्राम दाल, 2 आलू फ्राई ऑनियन, 3 हरी मिर्च। और मैंने दाल को पहले से सोख करके रखा था, और ये कुछ खड़े गर्म मसाले और तेज़पात। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जिस पतीले में ऑनियन को फ्राई किया है उसी ऑयल में मैंने गरम मसाला जो मेरा था उसको मैंने ऐड किया है। तेज़पात है, 4-5 लौंग है, 4-5 इलायची है, कबाब चीनी है, दालचीनी है, बस। तो वो सारा कुछ डाल के, ऑयल थोड़ा गर्म होगा, वो सारा कुछ डाल के हम अच्छे से पहले उसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद हमारा जो चावल है उसे हम धोकर अच्छे से उसमें ऐड करेंगे पहले। तो ये चावल जो मैंने लिया है वो गोविंदो भोग है, हम लोग के हमारे यहाँ पे इसे गोविंदो भोग बोलते हैं, और ये खुशबू वाला चावल है। तो ये बहुत टेस्टी, इसका पुलाव खिचड़ा बहुत टेस्टी बनता है। तो और मैंने ऐड किया है चने का दाल, हरी मिर्च, तीखा कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। ये सारा कुछ डाल के मैं अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लूँगी। पतीला बहुत गर्म था इसलिए मैंने कपड़े का यूज़ किया, आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये बहुत टेस्टी बनता है। 20-25 मिनट के अंदर भी बन जाता है एक, आप एक ये डिश खुद में आप में एक कंप्लीट मील होता है। इसके संग हमें सब्ज़ी की और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो ऑनियन फ्राई था मैंने उसे भी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो मैंने अब ऐड किया मसाले में हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करेंगे। पहले मैंने ऐड किया ये मिर्च पाउडर, नमक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच भर के बस। सारा को जलने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करते हुए इसे हम 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और अच्छे से मिक्स करेंगे, नीचे लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और मैंने गर्म पानी इसमें ऐड किया था भूनने के बाद, तो पानी भी आप पहले से ही गर्म करके रख लें। तो देखिए ये भून चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू, ये फ्राई आलू है, मैंने आलू को फ्राई कर लिया था थोड़ा सा। अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी, तो पानी मैंने चावल के थोड़े से ऊपर 1 इंच ऊपर तक मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि ये जो चावल है इसमें पानी ज़्यादा नहीं जाता है, वरना ये तुरंत गीला भी हो जाता है, इसलिए मैंने पानी 1 इंच ऊपर ऐड किया था। तो मेरा उतना ही पानी में ये हो चुका था, मुझे और पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। तो ये सारा कुछ होने के बाद इसे हम अच्छे तो इसे ढक के मैंने 10-15 मिनट तक ढक के बनाया था मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए ऐसा दिख रहा है, 10-15 मिनट बाद ये बहुत टेस्टी बना था। मैंने इसे बीच में सिर्फ 2 बार ही चलाया था, उसके बाद ये बहुत टेस्टी आलू वालू दाल वाल सब गल गए थे और बहुत टेस्टी बना था। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑनियन को ऐड कर दिया, और मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊँगी प्लेट में, देखिए कितने अच्छे तरीके से बना है। और इससे खुशबू फ्रेंड्स पूरे घर पे फैल गया था, सबको बहुत पसंद आया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।